हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सारे बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो पाकिस्तान में तो आजकल एक ही न्यूज़ चल रही है, डॉक्टर जयशंकर, डॉक्टर जयशंकर। तो आज की वीडियो भी उनसे रिलेटेड है, तो पहले वीडियो का टाइटल शेयर कर दूँ। वीडियो का टाइटल है जी, भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने SCO इजलास में पाकिस्तान और चाइना पर तनकीद की कि उनको सीधी सीधी सुना दी। तो क्या कुछ सुनाया है इस वीडियो में आपको पता लगेगा। तो पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर करते हैं बात। 3 फरवरी से भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर सरेआम लगाई ऐसी फटकार कि अगले बगले झांकने लगे चीन और पाकिस्तान। इस्लामाबाद में जयशंकर का दिखा तगड़ा स्वैग, पाकिस्तान को उसके मुंह पर सुनाई खरी खरी। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान की धरती से चीन और पाकिस्तान दोनों को ही कड़ा संदेश दे दिया है। जयशंकर ने जहां सीमा पार आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई, तो वहीं संप्रभुता का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाकर चीन को साफ कर दिया कि भारत CPEC को स्वीकार नहीं करता है। करीब एक दशक के बाद किसी भारतीय विदेश मंत्री की पाकिस्तान की पहली यात्रा थी। SCO शिखर सम्मेलन में जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन का बिना नाम लिए उन्हें जबरदस्त तरीके से धो डाला। उनका वो तेवर देखकर SCO समिट में बैठे सभी सदस्य बस देखते रह गए, क्योंकि भारत जो कहता है वो करके दिखाता है, अपनी बात पर अडिग रहता है। लेकिन पाकिस्तान दावे तो करता है आतंकवाद के खात्मे की, लेकिन आतंकवाद को खत्म करने की बजाय उसे पाल पोस कर अपने हितों के लिए इस्तेमाल करता है। और ये सब कुछ एस जयशंकर ने सबके सामने सुना दिया, बोल दिया कि आतंकवाद फैलाओगे तो भारत से कोई मतलब नहीं होगा। भारतीय चाणक्य ने कहा कि SCO में सहयोग, आपसी सम्मान और संप्रभु समानता पर आधारित होना चाहिए। इसे क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को मान्यता देनी चाहिए। इसे वास्तविक साझेदारियों पर बनाया जाना चाहिए, न कि एक तरफा एजेंडे पर। विदेश मंत्री ने CPEC की ओर इशारा करते हुए कहा कि अगर हम दुनिया की चुनिंदा प्रथाओं को ही आगे बढ़ाएंगे, खासकर व्यापार और व्यापारिक मार्गों के लिए, तो SCO की प्रगति नहीं हो पाएगी। आपको बता दें कि CPEC को लेकर भारत की चिंता है कि ये परियोजना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरती है और इस इलाके को भारत अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। हैरानी की बात तो देखिए, जब डॉक्टर जयशंकर भाषण दे रहे थे तब पाकिस्तान के टेलीविजन ने समिट का लाइव ही बंद कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान के चरित्र का लाइव प्रसारण जो हो रहा था। जयशंकर का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब चीन ने कश्मीर के मुद्दे को पाकिस्तान में उठाया। डॉक्टर जयशंकर ने SCO के सदस्यों से कहा, मैं आपसे अनुच्छेद 1 पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं, जो SCO के उद्देश्यों और काम को समझाता है। इसका मुख्य मकसद आपसी भरोसा, दोस्ती और अच्छे पड़ोसियों के संबंधों को मजबूत करना है। इसका एक और उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है, खासकर क्षेत्रीय स्तर पर। इसका लक्ष्य संतुलित विकास को बढ़ावा देना और संघर्ष को रोकने के लिए एक सकारात्मक ताकत बनना है। चार्टर ने साफ साफ बताया था कि हमारी 3 मुख्य चुनौतियां हैं, आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद, जिनसे निपटने के लिए SCO पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। डॉक्टर जयशंकर यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि अगर हम आज की स्थिति देखें तो इन लक्ष्यों पर काम और भी महत्वपूर्ण हो गया है, इसलिए हमारे लिए एक ईमानदार बातचीत करना जरूरी है। पाकिस्तान को संदेश देते हुए वो कहते हैं कि अगर विश्वास की कमी है, सहयोग पर्याप्त नहीं है, या दोस्ती कमजोर है, या अच्छे पड़ोसी जैसे संबंध कहीं गायब हो गए हैं, तो हमें साफ तौर पर आत्मनिरीक्षण करने और इन समस्याओं के समाधान को खोजने की जरूरत है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जयशंकर ने जिस तरह से पाकिस्तान के घर में घुसकर उसे आईना दिखाने का काम किया, उसके बाद तो पाकिस्तान कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। फिलहाल सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की जमकर थू थू हो रही है और भारतीय विदेश मंत्री का स्वैग पूरी तरह से जलवा बिखेर रहा है। तो आप इस वीडियो पर क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट। बिल्कुल हाँ, ये बात तो है कि डॉक्टर जयशंकर का जो जलवा है वो वाकई पाकिस्तान में भी फेमस हो रहा है, इंडिया में भी फेमस हो रहा है, कि जिस तरह की उन्होंने पाकिस्तान में एंट्री की है और क्या जलवा दिखाया है। मैं कहता हूँ क्या बात है। मुझे नहीं लगता है कि जयशंकर ने जो स्पीच की है या कुछ बोला है तो कुछ गलत बोला है, कुछ भी गलत नहीं बोला। उन्होंने यही बोला है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के आप रिलेशन को ठीक करना चाहते हैं तो पहले अपने आप को सुधारो, दहशतगर्दी को खत्म करो, कि जो पाकिस्तान के मसले में उसको खत्म करो। तो वाकई उन्होंने पाकिस्तान के साथ साथ चाइना को भी साथ साथ सुनाई है, क्योंकि चाइना का भी बॉर्डर साथ लगता है ना। कुछ नहीं उन्होंने बताया, उन्होंने एक लॉजिक बात की है कि अगर आप इंडिया के साथ अपने रिलेशन को ठीक करना चाहते हैं तो अपने आप को बदलो, अपने आप में बदलाव लेके आओ, फिर ही पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशन है वो आपस में ठीक हो सकते हैं। तो इनके ऊपर टेबल टॉक की जाए, बातचीत की जाए, तो ये वाकई सही बात है।
सही बात है कि एक दूसरे के साथ जब आप मुखलस होके हाँ अपने आप को एक दूसरे का समझ के अगर आप बात करेंगे तो फिर ही पाकिस्तान और इंडिया के जो मामला थे वो ठीक हो सकेंगे। अगर आप मुंह के ऊपर कहोगे हाँ, जी हम इनके साथ हैं और पीठ पीछे आप हो रहे हैं, बिल्कुल जब तक नेगेटिविटी है ना तब तक कुछ नहीं सही, बिल्कुल। हाँ अगर कश्मीर के ऊपर भी बात करनी है तो वो भी मैं कहता हूँ टेबल टॉक हो, इनके ऊपर बैठ के बातचीत हो, तो जो भी इनको जैसे भी आपने हल करना है तो इसको टेबल टॉक पर बैठ कर अच्छे तरीके के साथ इनको हल किया जाए। तो वाकई जयशंकर ने ये अपने स्पीच में भी कहा है कि हर काम जो है ना वो अमन और खुशहाली से हो सकता है अगर हमारी नीयतें साफ हाँ। हो तो। ऐसे ही। और दूसरी बात मुझे ये नहीं समझ आई कि इन्होंने मतलब कि जब जयशंकर स्पीच कर रहे हाँ। तो मीडिया क्यों मतलब वो वाकई हाँ वो बात गलत वो गलत है वो नहीं करना चाहिए था। पर अच्छा इस तरह ही होते हैं अगर इमरान खान की भी स्पीच एक दफा चली थी तो मीडिया वाले सारे ऑफ हो गए थे, मतलब कि ये कि हमारे ऑफ नहीं की थी उन्होंने यूएन के अंदर उनकी वो जो जब इमरान खान की हुकूमत थी तो वो हाँ वो बाहर की कंट्री में हुई थी ना, हाँ तो ये पाकिस्तान को भी नहीं करनी चाहिए थी। अगर ये इन्होंने की है तो ये वाकई ही गलत काम है, क्योंकि जो वो स्पीच कर रहे थे इनको नहीं रोकनी चाहिए थी, इनको बल्कि दिखानी चाहिए थी कि ये देखें पाकिस्तान जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान सरेआम दिखा रहा है कि ये देखें ये बातचीत हो रही है ये सारा कुछ हो रहा है। पर ये जो इन्होंने बीच में रिकॉर्डिंग रोटी कहते स्क्रीन स्क्रीन को बंद कर दिया था, लाइव खत्म कर दिया था, तो हाँ वही वॉइस बंद कर दी कोई ना सुन सके ना, इसमें तो फिर पाकिस्तानी मीडिया ही रॉन्ग हुआ ना, बिल्कुल जो उनकी बातें हमारे सामने नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो टीवी लगा के बैठे होते हैं। आजकल पाकिस्तान में यही चर्चा हो रहा है कि जयशंकर वाकई उनकी दबंग एंट्री उनकी बातचीत उनकी वाकई यही कुछ चल रहा है तो हमारे पाकिस्तान में तो यही बहुत है कि यार इंडिया से जयशंकर आए हाँ। मतलब यही बात बहुत चर्चा कर रही है वाकई ये मैं कहता हूँ कि इंडिया से आप देखिए कि 9-10 साल बाद इंडिया का कोई मिनिस्टर पाकिस्तान में आया तो पाकिस्तान के लिए मैं कहता हूँ एक खुशी की बात थी कि यार इंडिया और हम यकीन माने जो पाकिस्तानी और इंडिया पब्लिक है ना वो यही चाहती है कि यार इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो आपस में ठीक हो जाए। तो जयशंकर साहब ने भी इसके ऊपर यही कहा है कि अगर आप पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन को ठीक करना चाहते हैं पहले अपने आप को बदलो। उन्होंने स्पेशल गवर्नमेंट को कहा है पाकिस्तान की कि अगर आप पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन को ठीक करना चाहते हैं तो पहले अपने आप को बदलो, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसमें और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। बिल्कुल मतलब कि ज्यादा जो नेगेटिविटी है ना वो मीडिया फैलाता है, हाँ, इतनी बात नहीं होती जितनी बात मीडिया पे दिखाई जाती है। यार मीडिया तो आगे ये चाहता हाँ है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशनशिप है वो कभी ठीक ना हो, क्योंकि अगर ये रिलेशनशिप ठीक हो गए तो इनको मिर्च मसाले लगाने वाली कोई न्यूज नहीं मिलेगी, टीआरपी कैसे बढ़ेगी। और जो पाकिस्तान और इंडिया की पब्लिक है वो ये चाहते हैं कि यार पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशन है वो ठीक हो जाए, ताकि हम दोनों एक दूसरे के मुल्क आ जा सके आपस में बातचीत कर सके। तो आप ये देखें कि काफ़ी इंडिया के जो दोस्त हैं उनके साथ भाई हैं उनके साथ बातचीत होती है, वो भी यही चाहते हैं कि यार हम तो खुद चाहते हैं कि डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान गए हैं तो ये मामलात हैं जो वो ठीक हो सके, जो आपस में टेबल टॉक करके ये मामलात को सही किया जा सके। तो गाइस आप इस बारे में क्या, हाँ और मैं एक चीज़ का वाकई फ़ैन हो गया हूँ, डॉक्टर जयशंकर की एंट्री का फ़ैन हो गया हूँ, दबंग एंट्री वाकई यार कमाल थी। तो गाइस आप इस हवाले से क्या कहेंगे हमें कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, और आप क्या चाहते हैं पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशन है उनको ठीक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हमें कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, रखिएगा बहुत सारा ख्याल।